अजीत राजेश धर, असिस्टेंट कन्वीनर प्रेस एंड पब्लिसिटी फॉर 67th नेशनल स्कूल गेम। और ये मेरे साथी रमेश सर, ये कन्वीनर है मीडिया के। हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चार नेशनल्स दिए गए हैं एंड इट्स अ हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ जे&K स्पोर्ट्स दैट चार नेशनल्स जो है नेशनल स्कूल गेम्स के यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके लिए जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने भी पहले ही कहा है कि वो शुक्रगुजार है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जिन्होंने इनको चार नेशनल होस्ट करने को दिया। उसमें पहले दो नेशनल्स वहाँ पर हुए हैं, श्रीनगर में हुए हैं वॉलीबॉल और फुटबॉल में, और फुटबॉल में हमने गोल्ड क्लिंच किया, तो यह वॉलीबॉल में ब्रॉन्ज। तो वो एक इंस्पिरेशन है इन बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। और यहाँ पे भी अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुड हॉल ऑफ मेडल्स इन जूडो एंड फेंसिंग। जी, तो अलग अलग स्टेट से जो बच्चे आए हैं वो किस तरह से अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा मैटर करती है जीतने से। आज के डेट में स्पोर्ट्स का यूफोरिया है, अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने इस पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारी स्टेट का अगर हम कहेंगे तो हमारी स्टेट का भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है फुटबॉल और वॉलीबॉल में तो दिखाया है, और जूडो में भी हमारी एक लड़की मान्या कल सिल्वर निकाली, और आज भी एक्सपेक्टेशंस है आज भी कोई मेडल्स आ जाएंगे। तो ये मैच कब तक चलेगा? ये जो अभी जूडो का चल रहा है अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये चलेगा 20th के बाद 20th to 24 फेंसिंग के इवेंट्स। तो ऑल ओवर जितने भी स्पोर्ट्स हैं इसमें इंक्लूडेड है, वो कब से लेकर कब तक खत्म होंगे? ये शुरू हुआ श्रीनगर से 31st of October को, ये शुरू हुआ ये नेशनल स्कूल गेम्स जो चार डिसिप्लिन में होनी है, और गवर्नर एलजी साहब ने ये इनॉग्रेट किया, और यहाँ पे ये कंक्लूड होगा विथ फेंसिंग इवेंट, वो 24th को कंक्लूड होगा। थैंक यू।